एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। ई श्रम के फायदे, ई श्रम कार्ड लाखों रुपए प्लस में 18 योजनाओं का सीधा फायदा आपको ई श्रम कार्ड के माध्यम से दिया जाता है। ई श्रम कार्ड जब बनाया गया था उस समय चर्चाएं इसको लेकर चली थी कि प्रत्येक महीने इसमें सीधा पैसा जो है खाते में किस्तों का डलेगा, हर महीने इसमें किस्त मोदी सरकार भारत सरकार डालने का काम करेगी। 30 करोड़ प्लस लोगों ने ई श्रम कार्ड अपना बनवाया, लेकिन आज तक कोई किस्त इसमें जो है सरकार ने नहीं डाला। उसके बाद सरकार ने इसमें 18 योजनाओं का और भिन्न भिन्न लाभ इसके अंदर हर महीने पैसा देने का ऐलान इसके तहत कर दिया, लेकिन वो योजनाओं से इनको कनेक्ट कर दिया गया। साथ ही श्रम कार्ड जब लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भाई जो है राजीव गांधी कहा करते थे 100 रुपए बेचते हैं आम जनता तक 10 रुपए नहीं पहुंचता, तो इसीलिए उस समय जो है ई श्रम कार्ड भाई अपना वो बनवा लो, ये कार्ड मैं बता रहा हूं और जो भी मदद दूंगा भाई इसमें जिसका भी खाता होगा उसको दूंगा। सरकारी नौकर नहीं बनवा सकता, इनकम टैक्स बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनवा सकता, ठीक है। तो उसके बाद लोगों ने इसे बनवा लिया, हाथों हाथ इस कार्ड को लपका और 30 करोड़ लोगों ने ई श्रम कार्ड को अपना बनवाया, लेकिन आज तक कोई किस्त नहीं आया। अभी ये कि उत्तर प्रदेश में जरूर 500-500 रुपए का किस्त इसमें डाला और किसी राज्य में नहीं, ये सेंटर गवर्नमेंट का था, मोदी को डालना था लेकिन मोदी ने आज तक नहीं डाला। अब इसमें 18 योजना जोड़ दी गई है, लाखों रुपए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूं। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर। भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना, छोटे बड़े आदेश, नए नियमों, योजनाओं बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान हो, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना हो, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ये एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, दिखाता है, हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। और भाई डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, जरूर मेरे साथ जुड़े दोस्तों। एक सेकंड में देखता हूं क्लियरिटी है या नहीं है, एक बार देखा। हाँ भाई पूरा क्लियरिटी है, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूं पूरा ई श्रम कार्ड। जैसे आप गूगल में टाइप करेंगे ई श्रम का ऑफिशियल पोर्टल आपके समक्ष आ जाएगा और ये इस तरह जो है ई श्रम कार्ड का पूरा जो पोर्टल है वो आपके समक्ष, ये ई श्रम कार्ड का पूरा डाटा ई श्रम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय गो टू मैन पेज, आपको मैन पेज पर इस पर क्लिक करना है, इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आप जो है पहुंच जाओगे। साथियों माननीय प्रधानमंत्री का ये जो किस्त था वो ट्रांसफर उसका यहां वो चला रखा है, यहां से आप इसका लैंग्वेज हिंदी कर सकते हैं। यहां हिंदी जैसे ही आप करोगे अब तक ई श्रम कार्ड 30,29,38,014 लोगों ने बनवा रखा है। इससे मानधन योजना, मानधन योजना ई श्रम कार्ड वालों के लिए एक योजना है जिसके तहत 3,000 रुपए हर महीना, 3,000 रुपए हर महीना जो है देने का काम भारत सरकार केंद्र सरकार करती है, या 3,000 रुपए प्रति महीना। अब मेन जो योजनाएं हैं उस पर मैं आपको लेकर चलता हूं भाई। यहां आपको ऊपर ही ऊपर स्कीम्स योजनाओं का एक ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे इस पर क्लिक करेगा रोजगार योजना इससे जोड़ रखी है जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, आपको जरूरी इन योजनाओं का लाभ लेना है। सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे भाई थोड़ा फटाफट मैं इनको कवर करूंगा, सारी योजनाओं का डिटेल मैं देना है, फॉर्म भरना है, कैसे भरना है वो भी हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भाई, ये जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 साल आपकी उम्र होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ होना चाहिए और इनकम 15,000 से कम होना चाहिए। आपको इसमें जैसे ही आपकी साल उम्र 60 साल हो जाती है वैसे ही आपको 3,000 रुपए हर महीने मिलना शुरू हो जाता है, ई श्रम कार्ड की पहली योजना। साथियों आप दूसरी योजना, दुकानदार, व्यापारी और स्वयं निवेदित व्यक्ति यानी जो अपना काम धंधा करते हैं उनके लिए 3,000 रुपए पर महीने इस योजना के तहत दिया जाता है। जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 18 से 50 साल ई श्रम कार्ड बना होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। साथियों किसी भी कारण से आपकी मृत्यु हो जाती है, अपने आप भी आपकी मृत्यु हो जाती है तब भी आपको 2,00,000 रुपए जिसका ई श्रम कार्ड बना होता है, तो इसलिए ये कार्ड बनवाना जरूरी है। आप भाई मौत सबको आता है, 2,00,000 रुपया केंद्र सरकार भारत सरकार देने का काम इसके तहत करती है। आ गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत साथियों आपको अगर आपकी अचानक मृत्यु हो जाती है या आपकी जो है विकलांग आप हो जाते हो तो 2,00,000 मिलता है, अगर कम विकलांग होते हो तो 1,00,000 रुपए आपको इसके तहत मिलता है। लेकिन ये योजना किसके लिए है, जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है। फॉर्म कैसे भरना है वो बताएंगे। अटल पेंशन योजना, इसके तहत आपको 5,000 रुपए हर महीने दिया जाता है, मैंने परसों इसका अटल पेंशन योजना का फॉर्म भर के दिखाया था, इन सारी योजनाओं का मैंने अलग अलग फॉर्म भर के आपको दिखा रखा है ऑनलाइन स्टेप बाई स्टेप। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब जिनका भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है उन सभी को भारत सरकार केंद्र सरकार मोदी सरकार राशन देने का काम करती है। अगर आपका परिवार जो है गरीब परिवार है तो आपको 35
30 किलोग्राम, अगर आपका गरीबी रेखा से ऊपर परिवार है और आपके श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपको 15 किलोग्राम आपको दिया जाता है। बीपीएल चाहे हो ना हो, आपको 15 किलोग्राम जो है राशन देश के तहत दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनका श्रम कार्ड बना हुआ होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आपके लिए 1,20,000 रुपया सीधा खाते में आवास यानी मकान बनाने के लिए दिया जाता है। साइट विजिट, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे इसका फॉर्म आप भर पाएंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत आपका आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आपको 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त और निःशुल्क इलाज दिया जाता है। बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, आज से मेला डोलने वाले, ये भिन्न भिन्न योजना है। अब मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना का मैंने ऑलरेडी फॉर्म भर के आपको बड़ा दिखा रखा है, जैसे आयुष्मान बनाना है भरना है या आवास का कोई फॉर्म भरना है, यही नीचे इसका लिंक लगाया हुआ है साइट विजिट का, यहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो भाई फटाफट, जिनका श्रम कार्ड नहीं बनवा फटाफट श्रम कार्ड बनवाए और फटाफट उस वेबसाइट से, उस पोर्टल से आपको जो है इसका फॉर्म भरना है, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ऑफिशियल जो पोर्टल है आयुष्मान कार्ड का, वो आपके समक्ष खुलकर आ जाता है, ठीक है भाई। साथियों, अब इसकी जो और योजना है, ये तो आपकी लगभग 10 योजना हो जाती है। अब नौकरी की, रोजगार की, जिनको श्रम कार्ड बना हुआ है और जिनके पास जो है रोजगार नहीं है, उनके लिए रोजगार भी श्रम कार्ड वालों के लिए सरकार देने का काम करती है। सबसे पहले महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा यानी नरेगा, आपको जो है इसके लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए, श्रम कार्ड बना हुआ होना चाहिए, प्रतिवर्ष 100 दिन का काम आपको मनरेगा के तहत आपके गांव में दिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, साथियों दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है, इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना 50,000 दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें नौकरी उपलब्ध, जिसमें रोजगार आपको दिया जाता है, मैंने इनका सबका फॉर्म आपको भर के दिखा रखा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आपको 10 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। तो ये भिन्न भिन्न 18 योजनाएं थी जिसमें सीधा पैसा आपको श्रम कार्ड से दिया जाता है। ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो जरूर बनाए, यही इसी पोर्टल से आपका ई श्रम कार्ड बन जाता है। आधार कार्ड की जरूरत होता है और आपका बैंक खाता, तीसरा किसी कागज का कोई आवश्यकता इसके अंदर नहीं होता। उम्मीद है जानकारी पसंद आएगी। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।